अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि UBL का अकाउंट अगर आप घर बैठे ओपन करना चाहते हैं तो कैसे आप उससे ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। लेकिन साथ में मैं आपको ये बता दूँ कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं वो ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो फिर ये आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो HBL की है सिर्फ उन लोगों के लिए मुतारिफ कराई गई है जो पाकिस्तान से बाहर हैं। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि आपने कैसे इस अकाउंट को ओपन करना है। सबसे पहले आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपने उस पर क्लिक करना है तो आप UBL की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे सामने आपको जिस तरह लिखा हुआ है कि डिजिटल अकाउंट ओपनिंग फॉर NRPs, जो कि यानी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी होते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, जो पाकिस्तान में लोग नहीं रह रहे होते, वो ये अकाउंट कैसे ओपन करें। तो आप ये अकाउंट पाकिस्तानी करेंसी में भी ओपन कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी जैसे US डॉलर में भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको सही लगे, आप उसमें ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जब करना होता है अप्लाई के लिए, आप क्लिक करते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये आप डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप स्टार्ट करें, इससे पहले आप इनके पास आपकी JPEG, JPG और PNG फॉर्मेट जो इमेजेस होती हैं ये हो सकती हैं, और आपका साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स का साइज़ ज़्यादा है तो आप उसको किसी भी ऑनलाइन जा के आप उसका साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। उसमें आपको मैं डॉक्यूमेंट्स बता दूँ, आपकी जो ओरिजिनल स्कैंड NIC की कॉपी हो, या जो आपका NICOP होता है, या आपका पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होता है POC, आप इन तीनों में से कोई भी आपके पास होना चाहिए। दूसरा, आपके पास अगर OPF की मेंबरशिप कार्ड है, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है, अगर आपका मेंबरशिप कार्ड उसका आपके पास है तो ये बहुत ही बेहतर है। आपको अगर आप वो देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। उसके अलावा आपके पास स्कैंड पाकिस्तानी पासपोर्ट की कॉपी, उसके अलावा आपका अगर किसी और कंट्री का पासपोर्ट आपके पास है तो वो, आपका जो NRP स्टेटस है कि आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, ये आपके आपका वीज़ा एंट्री हो सकती है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हो सकता है, इस तरह का जो भी डॉक्यूमेंट आपको प्रूव कर सके कि आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं। उसके अलावा आपने अपनी इनकम का सोर्स बताना है, कौन सा है, जॉब आप कौन सी कर रहे हैं, उसकी सैलरी स्लिप, या आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी है आपने अपना इनकम का जो सोर्स है वो बताना है और उसका प्रूफ भी देना है। तो उसके बाद आपने अपने एक फ़ोटो अपलोड करना होता है, ये फ़ोटो जो आपका प्लेन बैकग्राउंड के साथ, और आपने अपना एक वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके आपके पास होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं तो आपने यहाँ पे प्रोसीड कर लेना है। यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स देनी है, जैसे आपका अपना नाम, आपके फादर का नाम, अबू का नाम, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा आपने अपनी वो आइडेंटिटी कार्ड बताना है, जो आपका CNIC जो कोई भी आपका POC या NICOP कार्ड है वो आपने यहाँ पे देने। उसके अलावा आपने अपने जो इशू डेट है वो बतानी, और कार्ड कहाँ से आपका इशू है वो बताने। उसके अलावा एक्सपायर कार्ड आपका कब हो रहा है, आपने अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल देना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके एक ईमेल पे OTP वन टाइम पासवर्ड जाएगा, वो आपने लिखना है। फिर उसके बाद आपके मोबाइल पे एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा, जब आप वो लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज कि आपकी रिक्वेस्ट है जो वो सेंट हो गई है। अब इसमें जो 48 घंटे के अंदर अंदर आपसे बैंक एक नुमाइंदा कॉल करेगा, वो आपसे सारी कन्फर्मेशन करेगा, आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो लेंगे, और उसके बाद फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जब आपका अकाउंट ओपन होगा तो आपको वो डिटेल्स दी जाएंगी, जिसमें आपको वो नेट बैंकिंग पासवर्ड मिलेगा एक ID, और आपको नेट बैंकिंग की जो यूज़र ID है वो मिलेगी। वो दोनों आपने UBL की नेट बैंकिंग पे जाके लॉगिन कर लेने। उसके अलावा आपने अपनी यूज़र ID चेंज करके, अपना पासवर्ड चेंज करके, कोई अपनी मर्जी का पासवर्ड सेट करके फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इसमें पैसे डिपॉजिट करें, ये सारी सर्विसेज जो आपके एक बैंक अकाउंट में होती हैं वो सारी इसमें शामिल होती हैं, फंड ट्रांसफ़र, उसके अलावा अकाउंट स्टेटमेंट, बिल पेमेंट, मोबाइल टॉप अप्स जो कि आप मोबाइल लोड करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सारी जो आपके अकाउंट में सहूलतें होंगी वो सब कुछ इसमें होंगी, और ये आप अपना अकाउंट ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।